परिधि श्रॉफ और करण अदानी ने 2013 में गोवा में एक ग्लैमरस समारोह में शादी की थी। इस शादी में मुकेश और अनिल अंबानी भी शामिल हुए थे। आनंद महिंद्रा और अनिल अग्रवाल सहित अन्य प्रसिद्ध व्यवसायी भी इस शादी में मेहमान थे। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शादी में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी का जश्न मनाने के लिए अडानी परिवार द्वारा आयोजित 3 भव्य रिसेप्शन में से एक में कुल 22,000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। परिधि और करण अडानी ने 2016 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। बच्ची का नाम अनुराधा करण अडानी रखा गया है। बच्ची को जन्म देने के बाद परिधि 40 दिनों तक अपने परिवार के साथ श्रॉफ निवास में रही। उन्होंने ये सब परंपरा का अनुसरण करते हुए किया है। परिधि श्रॉफ के पिता सिरिल भारत में सबसे प्रसिद्ध कानूनी दिमागों में से एक हैं। वो कॉर्पोरेट कानून में माहिर हैं और भारत की सबसे बड़ी कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर हैं। ये फर्म दुनिया भर में कानूनी कंपनियों का आकलन और रैंक करता है। द इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार परिधि और उनके पिता ने 2020 में मुंबई के वर्ली इलाके में लगभग 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में एक सीव्यू फ्लैट खरीदा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरा अपार्टमेंट था जिसे परिधि ने अपने पिता के साथ मिलकर खरीदा था। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।